नाटक देखो बड़े मजे का नाटक देखो। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आज हम सभी आप सबके सामने एक नाटक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? नाटक। ये नाटक है सच का आईना। सच का आईना। तो आइए। हाँ आप भी आइए। हाँ हाँ आंटी आप भी। आप सब आइए, सभी आइए और देखते हैं ये मजेदार नाटक। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमे रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमे रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, का दिल में है, का दिल में है। अरे भीड़ लगी है इतनी सारी, आखिर क्या हो रही है मारा मारी? तो आइए देखते हैं इस गोले में होता है क्या। आज तो बहुत मार देखा आप सबने, ये जानवरों पे ये लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना पीड़ित कर रहे हैं।
बेचारे का दूध, बेचारा इसको तो मार ही रहा था, और ये हंटर वाली दीदी इतना मारती इतना मारती। अरे यार भैया, मुझे लगे तो कितना दर्द हुआ। देखा सबने जानवरों का आक्रोश, कितना कष्ट पहुंचाते हो आप सब ना दुख पहुंचाते हो, जानवरों पे करते हो इतना अत्याचार हुआ इतना सारा, और फिर खा जाते हो काट के मांस। अब देखो क्या होता है आगे। तुम सब लोगों पे अपने केस किया है, जानवर के विरुद्ध हो रहे हैं उनका अत्याचार और शोषण के विरुद्ध। अभी तुम लोग मेरे साथ चलोगे। हमने क्या किया था? जो भी बोलना वो अदालत में बोलना। चलो मेरे साथ। चलो पुलिस वाले आए हैं, सबको ले जाए। देखो अब अदालत में होता है क्या, केस तो होगा भैया, क्या होगा आगे देखते हैं। शासन जज साहब पधारे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, इन जानवरों ने इंसानों पर आरोप लगाया है कि इन पे अत्याचार होता जा रहा है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं, उन्हीं में से कुछ मुद्दे हमें आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी अपनी गाय और बकरी को। पेश किया जाए। बहुत हुआ अत्याचार, अब न्याय हमको चाहिए। अरे आपकी अदालत में, आपकी अदालत में न्याय होना चाहिए। तो मैं अपनी गाय से पूछना चाहूंगी कि इंसान पे क्या हक है आपके। बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें पीने का हक है या हमें हमारे हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमें हमारे बच्चे पैदा होने पर हमें उनसे दूर कर दिया जाता है। देखा आपने जज साहब, मेरी क्लाइंट का कहने का मतलब है कि जैसे ही गाय का बच्चा होता है तो उसे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा तो दूध देता नहीं, और उनका दूध जो होता है वो बच्चे को देने की जगह हम इंसान पी जाते हैं। जज साहब, मैं आरोपी को बुलाना चाहूंगी। आरोपी को पेश किया जाए। जज साहब, दे दे के खत्म कर दो ना साहब। तो भाई तुम अत्याचार क्यों करते हो इन पे? बात मेरे क्लाइंट की ये आरोप है कि ये गाय का दूध निकालकर इंसानों को बेच देते हैं, बकरी को काट देते हैं। अब ये जुर्म कहाँ से हुआ जब साहब? ये तो लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है, जो ये पूरा करते हैं। तो जुर्म सिर्फ इन्होंने थोड़ी किया है, क्या सजा इनको मिलनी चाहिए? ऑब्जेक्शन लॉर्ड। आप कहना चाहेंगे? जी लॉर्ड। जब साहब मैं कहना चाहता हूँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो पब्लिक की डिमांड है जो मुझे पूरी करनी पड़ती है। भाई ऐसी कैसी डिमांड जिसमें तुम जानवरों
जाहिर सी बात है, अगर चीज़ ख़राब हो जाएगी तो हम उसको भेज देंगे कहीं ना कहीं। तो वैसे ही हम दूध निकालते हैं और उनको कहीं भेज देते हैं या काट देते हैं, उसमें आपने बोला कि चीज खराब हो जाती है, चीज कैसे खराब हो गई? उसमें भी तो प्राण है ना, आप उसको पीड़ा कैसे दे सकते हो? इसमें पीड़ा कैसी, ये तो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों का रोजगार चलता है ना इससे। आप बताइए आप क्यों काट देते हो बकरी को? अब हम क्या कहें जस्ता, हम तो गरीब आदमी हैं, हम अपने ये सब हम अपने पेट के लिए करते हैं भाई बाप। तो तुम अपने पेट के लिए दूसरे को क्यों काट देते हो, उसकी पीड़ा क्यों पहुंचाते हो, अपने जान क्यों करते हो? इसमें कहा का जो जुर्म हुआ, हम तो अपने पेट के लिए करते हैं। ये जुर्म है, सरासर जुर्म है जैसा, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर ये जुर्म है तो जुर्म इन्होंने ही थोड़ी किया है, जुर्म तो उन सब ने किया है ना जो इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बेचने वाला, काटने वाला, दूध निकालने वाला कहाँ से आरोपी हो सकता है? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे मैं कहाँ से, आप जानवर हैं? नहीं मैं जानवर नहीं हूँ, लेकिन जानवरों के हक के लिए मैं लड़ जरूर रही हूँ। मैं अपने अगले पीड़ित को पेश करना चाहूँगी। हाँ हाँ, ये है पीड़ित हाथी, इनका आरोप है इंसानों पर कि इनको बंद रखा जाता है, मार मार के मनोरंजन किया जाता है, और औरतों और बड़ी बेरहमी से इनके दांत भी निकाल लिए जाते हैं जिनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। हाथी आप क्या बोलना चाहेंगे आरोप? वकील बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ऐसा ही चलते रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। चले दस यहाँ पे खड़ी रहना। तो ये मोहतरमा है जो इन बेजुबान जानवरों पे अत्याचार करती है, क्यों करती है आप अत्याचार बेजुबान जानवरों पर? मेरी कोई गलती नहीं है, इससे मेरी आमदनी होती है, लोगों का मनोरंजन होता है। तो ना अपनी भलाई कर रहे हैं, इसमें जानवरों को तो बिल्कुल संभाल के रखा जाता है, उनको खाने को दिया जाता है, मारा ही छोड़ी जाता है, सिर्फ उनको खाने अच्छा, को आप ये बताइए आपको 2 दिन पिंजरे में बंद रख दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? ये तो बोल भी नहीं सकते कुछ, इनको बंद कर देते हो। मोहतरमा मुझे ऐसा लग रहा है आप पिंजरे में बंद होकर ही आई हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं भी जानवर हूँ? तो ठीक है फिर, अब ये जानवरों की लड़ाई नहीं, अब ये मेरी भी लड़ाई। जब तक हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होगा तो सिर्फ इन गरीबों का थोड़ी है इंसाफ, ये तो भलाई कर रहे हैं ना लोगों की, जो लोगों को सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूध प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जुर्म इनका ही थोड़ी है, जुर्म तो सारे समाज का है। अगर ये फैसले का तो फैसला लेना है तो समाज के प्रति लीजिए। वैसे मेरे काबिल तो सही कह रहे हैं, इसमें काम करने वालों की गलती नहीं है, हम सभी की गलती है। आपका क्या फैसला है मैं जानना चाहूँगा। तमाम सबूत और गवाहों को देखते हुए पहुँची है कि गलती सिर्फ इनकी नहीं है जो प्रताड़ित करते हैं, बल्कि गलती हम सबकी है क्योंकि हम सब चीजों की मांग करते हैं, मांग बढ़ाते हैं तभी तो अत्याचार होता है। अपने स्वार्थ और मनोरंजन के लिए बेचारे जानवरों के हक के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो जरूरत है कि हम आईना देखें और सीखें कि हम अपने हक के लिए नहीं बल्कि जानवरों के हक के लिए भी लड़े, ताकि इन्हें भी एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले और किसान का अधिकार इन्हें मिले। तो आइए हम आज शपथ लेते हैं कि हम जानवरों के हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे और इसका अधिकार दिला के रहेंगे। आइए आज हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कम से कम पशु पदार्थ का उपयोग करेंगे, जिससे हम सभी प्राणी, सभी पशु प्राणी एवं हम सभी इस पृथ्वी पर शांति से अपना जीवन